अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समराज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही सिंपल एंड क्विक तरीके से वाइट सॉस पास्ता बनने वाला है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी बनती है और बहुत ही यम्मी रेसिपी होती है। स्पेशली चीज़ लवर जो हैं उनके लिए तो ये स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा वाइट सॉस पास्ता। और इसको बहुत ही ईजी वे में हम बनाएंगे। सबसे पहले पानी के अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद जो है हम अपना पैनी मैक्रोनी या पैनी पास्ता, यही शेप जो है वो ज़्यादातर वाइट सॉस पास्ता में इस्तेमाल करते हैं और यही यूज़ किया जाता है, और उसको हम बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हम अपना सॉस तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर बटर ऐड किया है, और उसके बाद फिर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो मैदा डालूंगी और इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। और इतना थोड़ा हल्का सा बहुत सौते करना है कि इसका जो है वो कच्चापन मैदे का वो दूर हो जाए। एक मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, भूनना है। उसके बाद फिर मैं तकरीबन 1 कप जो है वो इसके अंदर दूध ऐड करूंगी, और दूध जो है वो एक साथ ऐड नहीं करना वरना लम्स बन जाएंगे। हमने थोड़े थोड़ा क्वांटिटी में ऐड करना है और हैंड बीटर की मदद से अच्छे से इसको हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और जब तक इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक एक थिक सा हमारा सॉस तैयार ना हो जाए। तो हमारा मज़ेदार सा ये सॉस तैयार होने वाला है। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ये जो कॉर्नस हैं और शिमला मिर्च है ये ऐड करूँगी। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है और इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। और अगर कॉर्नस ना भी हो तो फिर आप चलें शिमला मिर्च ऐड कर लें, उसके अंदर बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। हाफ टीस्पून के करीब ओरिगैनो ऐड करूँगी और हाफ टीस्पून ही गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। गार्लिक पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इस स्टेज पर अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद मैं 1/2 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी, और मुझे नमक कम लगा था तो मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून। और अच्छे से इसको इस सॉस को थोड़ा सा गाढ़ा होने दूंगी, तब तक इसको अच्छे से पकाना है। जब हमारा सॉस गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसके अंदर चीज़ ऐड करना है। उसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है, और मेरे पास चीज़ थी तो मैंने इसके अंदर स्लाइसिस ऐड कर दिए। एंड ये जो है चीज़ मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर क्रीम चीज़ भी ऐड की है, ये भी बहुत मज़ेदार फ्लेवर देती है आपके। और अगर ये ना हो तो ये ऑप्शनल है, आप इसके भी कर सकते हैं, बट इसके अंदर चीज़ ज़रूर डलेगी, मोज़रेला एंड चेटर। और अगर आपके पास स्लाइसेस अवेलेबल हैं तो आप इसके अंदर स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए कितना मज़ेदार सा जो ये क्रीमी सा हमारा वाइट सॉस पास्ता तैयार हो रहा है, उसकी जो एक मज़ेदार सी लेयर्स बनती हैं वो बहुत ही मज़ेदार देती हैं। और अगर आपको थोड़ा सा ये थिक लगे तो आप इसके अंदर दूध की क्वान्टिटी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा सॉसी सा और थोड़ा सा जूसी सा अच्छा लगता है, कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं अच्छा लगता। सो मज़ेदार सा हमारा वाइट सॉस पास्ता तैयार है। मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली में तो बहुत पसंद किया जाता है, और आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी क्विक सी रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।